हाँ प्रश्न नंबर एक, दो भाई साहब, दो, तीन, अरे फ्लूट की अच्छी भी कर रहे हैं भाई। प्रश्न नंबर एक, दो, तीन, चार, नहीं सिलेंडर के अलावा जो बचा वेट वो तो उन्होंने ही संभाल रखा है ना, ये नहीं निकालने का जरूरत आ रही है। मैं बता रहा हूँ, अरे मैं पढ़ने दे, ग्लास फुल ऑफ वाटर इज़ बॉटम ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर, टॉप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर, हाई 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हाफ लीटर, फाइंड द फोर्स। ये 13 ही वाला नहीं है क्या सवाल, फोर्थ पूछ रहे हो ना तुम लोग, तो ये 33 वाला फिगर कौन सा है फिर, ये यही तो है ये। हाँ फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम, वो तो सिंपली रो जी एच इनटू एरिया, वो तो सिंपली रो जी एच इनटू क्या दिखा रहा भाई, कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द वॉटर, फाइंड द रिलेटिव फोर्स एग्जर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन द वॉटर एटमॉस्फेयर। कुछ नहीं, जो वेट बचा आधा लीटर है, तो जो सिलेंडर बना, ध्यान से सोचो ऐसे, तो एक सिलेंडर बना ऐसे, ये ऐसे, ध्यान सुन, ये जो सिलेंडर में पानी है, ऐसे लॉजिकली समझो, इस सिलेंडर के पूरे पानी को तो ये बेस संभाल ले रहा है, इस पानी को कौन संभाल रहा है, साइड वॉल्स। तो इस सिलेंडर में कितना पानी आधे लीटर में से, वॉल्यूम कितनी, 20 इंटू हाइट कितनी थी, 20, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 400 ग्राम पानी कौन संभाल रहा है, ये बेस। अरे यार, तो 100 ग्राम पानी कौन संभालेगा, खत्म। अरे भाई यार तुम्हें नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना तो बोल, क्या एकदम पिक्चर क्लियर है, अरे सोच लो, है ना। फोर्थ का भी हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सोच लो, एट, एक मिनट, ये मैंने करवाया था शायद ऐसा, यार सी का आंसर आ गया होगा, सी का किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा, आ गया होगा यार, यार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें कुछ भी, एक बार और ट्राई, बाकी सबका आया क्या, हाँ ट्राई कर फिर तो एक बार, क्योंकि है वो ही पुराना सब जो मैंने बताया। नाइन्थ, नाइन्थ समझ में आया, टेंथ, टेंथ याद हो, बताया था कि कैविटी और ये सब निकालने के तरीके ऑर्नामेंट्स वगैरह में हुए कि नहीं हुए, एट नाइन पक्का, टेंथ, इलेवेंथ काम कराए, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ डर तो नहीं लगा, थर्टीन, थर्टीन, फोर्टीन सोच लो, एकदम पक्का, फिफ्टीन, फिफ्टीन सोच लो, शाबाश, सिक्सटीन, सिक्सटीन पक्का, सेवनटीन, सेवनटीन भाई साहब, सेवनटीन, एटीन, एटीन डाउट है। A cubical metal block of S 12 cm floats in a mercury with 1/5 of the height inside the mercury. Water is poured till the surface of the water is just immersed in it. Find the height of the water column to be poured, specific gravity of this. मैंने बताया था शायद ऐसा। हाँ कि कितना पानी, मैंने बताया था क्या? हैं? किसका रो आएगा? पहली बात, एक 1/5 अंदर है। तो किसकी डेंसिटी दी हुई है बताना एक मिनट? मर्करी की दी हुई है ना, तो बेसिकली मेटल की इससे कम होगी, मेटल की इससे, तो सोच और ओरली सोच सकते हैं कि वो 1/5 रो ऑफ, कुछ नहीं मैं समझा, कितना मेटल क्यूब अंदर है पहले बताओ, 1/5 अंदर है, अब ध्यान सुना गड़बड़ नहीं, मान लो साइड ए है तो ए 1/5 अंदर है, तो वॉल्यूम जो अंदर की तरफ है देख, रो ऑफ एच जी इंटू ए स्क्वायर इंटू ए बाई फाइव, वॉल्यूम इंटू जी इक्वल्स टू रो ऑफ मेटल इंटू ए क्यूब जी, बोलिया सुन लो, तो रो ऑफ मेटल डायरेक्ट बोल सकते थे रो ऑफ एच जी बाई फाइव, मैं ओरली यही बोल रहा था आपको, अरे भाई हाँ ना बोल यार, इसमें तो कोई बुराई, मेटल आगे, अब पानी डालना चालू करा, पानी जब डालना चालू करेगा तो एक सिंपल सा लॉजिक, यहां पे नीचे की तरफ प्रेशर, लॉजिकली सोच बढ़ेगा अगर ऊपर पानी डालोगे तो,
ऊपर पानी डालोगे तो उसने बोला कि टॉप लेवल से वो मैच कर जाए। तो सिचुएशन कैसी होगी देख ध्यान से, सिचुएशन ऐसी होगी देख, ध्यान देखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये 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 मान लो कि अब इसमें रहा x अंदर और ऊपर बच गया a माइनस एक्स और यहां तक पानी भर गया, ऊपर क्या भर गया पानी। अब देख वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, बायंसी ऑफ मर्करी प्लस बायंसी ऑफ वॉटर, वॉटर वॉटर ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करी है तो वॉटर ने करी है ना, दैट इज बैलेंस बाय वॉट वेट, दैट इज बैलेंस बाय वॉट वेट। अब देख रो ऑफ मेटल तुम निकाल चुके हो, तो देख रो ऑफ मेटल इंटू जी इंटू ए क्यूब दैट इज वेट इज बैलेंस बाय टू बायंसीज, वन द बायंसी क्रिएटेड बाय वॉट मर्करी, मर्करी में एक्स अंदर है तो क्या लिखेंगे, रो ऑफ मर्करी इंटू ए स्क्वायर एक्स इंटू इंटू जी प्लस रो ऑफ वॉटर ए स्क्वायर ए माइनस एक्स इंटू जी। अरे भाई हाँ ना बोल, अब सॉल्व कर ले जो भी है। नहीं आया, अरे भाई नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, सन्नाटे में पहुंच गए एकदम पक्का, अरे सोच लो पक्के से 101%। बस सॉल्व कर लो, ये अच्छा सवाल है वैसे, ऐसा कभी कभी मैं क्लास में भी इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ, तो मैंने लिया था क्या बताया ना भाई, मैं लेता तो हूँ वैसे। कहाँ पहुंचे, 18, 19, 20, 21, 22 डाउट है किसी को, डाउट है 22, एक बार और ट्राई कर भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो करेगा, एफ बराबर माइनस के सी, मैं भी मैंने बताया था शायद, क्या कर रहा है भाई तू, क्लास नहीं आया था क्या, क्लास नहीं आया था ना है? आया था फिर क्या कर रहा है, पागल हो गया बिल्कुल ही। हाँ 23 भाई साहब, 23 24 25 सर 25 तो क्लास में कर रहा है, नहीं 25 बढ़िया सवाल है वही, अगर मैं सोच रहा हूँ तो 25 अच्छा सवाल है। नहीं नहीं अलग अलग लेंगे वरना कैसे फ्लोट करेगा, क्या बात कर रहा है भाई, आइस की 0.9 होती है और वाटर की 1, आइस की 0.9 लो तभी आएगा, नहीं बनेगा भी देख तो सही, तो लॉजिकली आ जाएगा सवाल। A cube of ice of edge 4 cm is placed in an empty cylinder of inner diameter 6 cm. Assume that the ice melts uniformly from each side so that it always retains its cubical shape. Remembering that ice is lighter than water. देख लिखा हुआ उसमें तो, remembering the ice is lighter than water. Find the length of the ice or edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass. सवाल ये कह रहा है कि एक आइस क्यूब है, क्या है एक आइस क्यूब, क्या है एक आइस क्यूब, वैसे रखा हुआ भाई साहब, अब साल वो पिघलना चालू करता, पिघल के क्या बनेगा, पानी बनेगा तो साइड में भरेगा, पानी भरेगा तो ये अभी क्या ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, कब तक लगाएगा, जब तक बायंसी वेट के बराबर, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला ध्यान सुनना, उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द आइस क्यूब एट द इंस्टेंट इट जस्ट लीव्स कॉन्टैक्ट, इट जस्ट लीव्स, लॉजिकली सोच, तो जब भी कोई आइस क्यूब फ्लोट करता है, आइस क्यूब मान लो ऐसे आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है तो कितना फ्लोट करता है एक्स, ये कैसे निकालते हैं, रो इंटू आइस, रो ऑफ आइस इंटू ए क्यूब इंटू जी डल रेस्पॉन्स, वेट बराबर बायंसी रो ऑफ वॉटर इंटू ए स्क्वायर एक्स इंटू जी, बोल यस और नो, नहीं आया सोच, अब तू एक बार लॉजिकली सोच कि ऐसे ढक्कन हटा दे पानी का, ऐसे पानी का ढक्कन हटा दे तो नीचे आता जाएगा, इस एक्स में क्या फर्क पड़ेगा, एक्स में क्या फर्क पड़ेगा,
इस हाइट पे थोड़ा डिपेंडेंट है, वो इस हाइट पे डिपेंडेंट, ये नीचे आके कब टिक जाएगा, जब पानी का लेवल कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा। अब उल्टा सोच, वही तो सवाल है वो, अरे भाई तुझे चमका नहीं, ये ब्लॉक नीचे आके कब टकरा जाएगा, जब पानी का लेवल, बोल यस और नो, तो उल्टा भी तो सही है। अब इधर आते, पर ये एक्स की क्या बिसात है, क्योंकि ए की इसमें चर्चा है, किसी चर्चा है। एक बात लॉजिकली सोच, मान लो कि पिघल के इसकी साइड ए हो, पहले कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, चार सेंट, अब ए रह गई, तो वो जो बचा कितना पानी अंदर आ गया, 4q minus aq इंटू रो ऑफ आइस बराबर रो ऑफ वॉटर इंटू वॉल्यूम, उतनी वॉल्यूम पानी बनी, उतनी वॉल्यूम तुम चमक नहीं पाए, उतनी वॉल्यूम पानी बनी। अब जो वॉल्यूम पानी बनी उसी ने इस एक्स को सेटिस्फाई कराया, जो मैंने बोला, जो मैंने, और तू बहुत लॉजिकली सोचे ना तो तेरे को एक बात बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगी। याद कर मैंने एक सवाल कराया था जिसमें आइस को पिघला के पूछा था वाटर लेवल क्या हुआ, मैंने तेरे को सवाल कराया था कि एक आइस क्यूब है वो पिघला तो बताओ वाटर लेवल का क्या हुआ, याद है क्या हुआ, वाटर, अगर आइस क्यूब पिघल के पानी में तब्दील हो गया तो वाटर लेवल का क्या हुआ था, उस वाटर लेवल का कुछ भी, क्योंकि वो उतनी आइस क्यूब उतना ही पानी बन के वहां समा गई। अरे यार हाँ ना बोल, अब तेरे को एक लाइन में आंसर दिखाऊंगा, ध्यान से समझेगा तू। जैसे ये लिफ्ट हुआ, ये वो कंडीशन जब लिफ्ट हो गया, सोच के देखना, अगर ये पूरा आइस अब पिघल जाए तो लेवल का क्या होगा, इसका मतलब पूरा आइस पिघल के जो लेवल आएगा वही आंसर है। कोई क्यूबिक क्यूबिक कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बढ़िया सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, उठ गया जस्ट उठा, उठा जा, सोच अभी आइस पूरी पिघल जाए, अभी आइस पूरी लेवल का क्या होगा, अभी तो मान लो पूरी पिघली वही तो आंसर है। अरे भाई यार तुम्हें नहीं आया, अरे है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो पता सिंपली आंसर क्या है, 4 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वॉटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ आइस, क्या मास आ गया, इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉटर क्या होगी आपका, 6 है ना ये, पाई सिक्स स्क्वायर एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ वॉटर, खत्म। यार तुम्हें चमका नहीं, मैंने क्या कराया, अरे चमका मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कोई लंबे सॉल्यूशन पे जाने की जरूरत, लॉजिक लगाओ तो एक लाइन में सॉल्यूशन निकल आएगा, वन लाइन, बोलो चमका एकदम अच्छे से, करना नहीं तो अगली बार डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, है ना। और होमवर्क क्या चल रहा है अपना, फ्लूड की तो चली रही है, फ्लूड तो ईएमआई तो रुक जाओ, फ्लूड में जो बच रहा हो पूरा निपटा लो, फ्लूड की एक्सी वर्मा करी थी आज मैंने, हैं 1-2 पूरी कर लो, और क्या 1-2 पूरी निपटा लो, ज्यादा थोड़ी है उसमें 1-2 में, हैं ज्यादा नहीं है, ठीक